हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेबी क्लासेस में। हम पॉलिटी में अभी तक अनुच्छेद 24 तक हम पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों में पिछली बार हमने स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ा था और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद हम 29, 30 और 31 भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 का कहता था। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान का अनुच्छेद 25। और आप देखते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 25 खबरों में रहता ही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अधिकांश खबरों में रहता है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय इस अनुच्छेद 25 और इससे जुड़े हुए आ चुके हैं। क्या लिखा है इसके बारे में देखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, यहाँ पर तीन शब्द है, धर्म के अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में लिखा है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण का मतलब क्या है? आपका अंदरूनी मन। अंतःकरण का मतलब है कि आपका अंदर का मन किस में विश्वास करता है। आप जिस भी व्यक्ति में, आप जिस भी धर्म में, आप किसी भी ईश्वर में आस्था रखना चाहे, आपका मन क्या कहता है उसकी आपको स्वतंत्रता है। राज्य इस पर रोक नहीं लगा सकता। आप किसी संत में भी अगर विश्वास रखना चाहे, किसी बाबा में भी आप विश्वास रखना चाहे, आप रख सकते हैं। राज्य आपको इससे नहीं रोकेगा। धर्म को अबाध रूप से मानने, आप धर्म में को बिना रोक टोक के, बिना बाधा के आप मान सकते हैं। और इसी में धर्म को जब हम कहते हैं अबाध रूप से मानने, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही आप धर्म को नहीं मानने के लिए, किसी भी धर्म को नहीं मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। राज्य आप पर इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये एक प्रकार का अधिकार है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रस्तावना में, जैसे चीन जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है वहाँ पर, वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की शर्त यह है कि आपको अपने धर्म का त्याग करना पड़ेगा। तो वहाँ पर राज्य आपको एक तरह से बाध्य करता है धर्म को छोड़ने के लिए, आपको इस तरह के लिए बाध्य करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगला है आचरण करने की स्वतंत्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, धर्म की प्रैक्टिस करना। इसी पर सारी लड़ाई शुरू होती है। इसमें लिखा हुआ कि धर्म के अनुसार आचरण करना हमारा मूल अधिकार है और राज्य से छीन नहीं सकता। अब धर्म के अनुसार आचरण करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसा हमारे धर्म में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम आचरण करेंगे। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पिछले 2-3 सालों में 3 तलाक वाला केस बड़ी चर्चा में रहा था। 3 तलाक केस में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, 3 तलाक में भी जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक बिद्दत कहा जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद सरकार ने अब वर्तमान इस पर कानून भी बना दिया था। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में तर्क वितर्क चले थे, तो जिसमें जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से था उसमें यही बात थी कि 3 तलाक हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा, और हम उसके अनुसार आचरण करते हैं तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, आप इसे छीन नहीं सकते, आप इसे हटा नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा था कि आपके धर्म में यह बात कहाँ पर लिखी है? अगर कुरान में, हदीस में अगर इस तरह की बात लिखी है तो हम इसको आपके धर्म का हिस्सा मानेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको साबित नहीं कर पाया कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। जब धर्म का हिस्सा ही नहीं है तो उसे धर्म के अनुसार आचरण कैसे कहा जा सकता है? ऐसा कोर्ट का तर्क था। तो धर्म के अनुसार आचरण करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो धर्म में इस तरह की चीज़ें शामिल है तो ऐसा आचरण करना आपके मौलिक अधिकार में आता है। लेकिन इस तरह के कई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए जहां पर अगर अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का टकराव हो रहा था, अनुच्छेद 21 को ज़्यादा मान्यता दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि अधिकांश धर्म है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं हमने बना रखी है धर्म में ही, जो कई बार महिलाओं के विरुद्ध हो जाती है। जब इस तरह का आचरण हम करते हैं तो महिलाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। और इस तरह से अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 की कई बार टक्कर होती है, दोनों में टकराहट होती है, और हर बार अनुच्छेद 21 को ज़्यादा मान्यता मिली है। आगे लिखा हुआ है प्रचार की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, यह आपका एक मौलिक अधिकार है, आप अपने धर्म का प्रचार। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, क्या धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ, अगर आप धर्म परिवर्तन का अधिकार है कि आपको, आप अगर किसी का धर्म परिवर्तित करना चाहे तो क्या यह भी आपका एक मौलिक अधिकार है? यहाँ पर धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता लिखी है। आप किसी का धर्म परिवर्तन कराना, किसी भी प्रकार के लालच देकर, दबाव से डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में भी कहा है। अब आगे हम देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाल के मैंने बात लिखी,
अनुच्छेद 25 में जो ये हमें अधिकार दिए हुए, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरह से हमें ये मुक्त रूप से अधिकार नहीं मिले, हर अधिकार के साथ कुछ न कुछ प्रतिबंध जरूर है। अनुच्छेद 25 हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि इस पर कुछ न कुछ प्रतिबंध अवश्य है। किस आधार पर प्रतिबंध? वो प्रतिबंध हमने लिखा अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि राज्य लोक व्यवस्था को अगर खतरा हो तो इस धर्म के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, क्या मतलब इसका? अगर किसी को धर्म के अधिकार से अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, कैसे? जैसे मान लेते हैं नमाज पढ़ने का अधिकार आपका एक मूल अधिकार हो सकता है, वो आपके धर्म का हिस्सा है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर नमाज पढ़ते, जैसे अगर आप रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं और रोड पर नमाज पढ़ने से अगर रोड ब्लॉक हो जाती है तो वो आपके धर्म के अधिकार के तहत नहीं आता है। आप माता जी का जागरण कर रहे हैं, जागरण करना आपका मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन आप पूरे रोड को ब्लॉक करके बैठ जाए और दूसरों को आप दूसरे रास्ते से निकल जाए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह का अधिकार आपके पास नहीं हो सकता। आप पूरे रात भर जागरण कर रहे हैं, तेज आवाज में साउंड लगा कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब अगर होता है इससे आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सदाचार, या इसको हम नैतिकता कह सकते हैं, आप धर्म के नाम पर कोई भी अनैतिक काम नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर कुछ भी अनैतिक कार्य अगर किया जाता है वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता है। और तीसरा है स्वास्थ्य, धर्म के नाम पर किसी के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आप धर्म के नाम पर, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कई मंदिरों में अगर झाड़ फूंक जैसी व्यवस्था चल रही है ना, ईश्वर के नाम पर आप ये कह रहे हैं कि वो ईश्वर ठीक कर देगा, और अगर आप किसी के स्वास्थ्य को खराब करने का काम करते हैं वो आपके धार्मिक आधार में नहीं आता, उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। बहुत डिटेल में चीज़ें हो सकती है, ये कुछ चीज़ें इन तीन आधार पर। देखो वापस एक देखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, हमारे यहाँ पर हमें तीन आधार मिलेंगे, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इनके आधार पर राज्य आपके इस मूल अधिकार पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। एक और बात हमने नोट लिखी है, कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। इसे सिख धर्म का अंग माना गया है और एक तरह से सिख धर्म का अंग है तो उसके अनुसार वो आचरण कर सकते हैं। हमने अनुच्छेद 19(19)(1)(b) में हमने ये पढ़ा था, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन जब संतों का, सिख संतों का समागम होता है तो बड़ी संख्या में सब लोग कृपाण लेकर इकट्ठा होते हैं, तो क्या ये आर्टिकल 19(1)(b) का वॉयलेशन है? नहीं। अनुच्छेद 25 में ये लिखा है कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का अंग है, इसे अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये अधिकार इनको देता है। और आगे तीसरा पॉइंट इसी अनुच्छेद 25 में पर्टिकुलरली स्पेशली लागू होता है कि जब हम हिंदू की बात करें तो हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध तीनों को सम्मिलित माना जाना चाहिए, ये भी हिंदू धर्म में ही शामिल है, ऐसा सिर्फ अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपका एक मौलिक अधिकार होगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का मतलब प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए अपनी संस्थाओं को स्थापित करना, उसका प्रबंधन करना और उसका प्रशासन करना, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ये उन धार्मिक संस्थान के लोगों का मूल अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, इन आधार पर आपके इस अधिकार का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखो मैं इसका एग्जांपल इसको जोड़ता हूँ, मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ पाएगा। सबरीमाला केस में जहाँ पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी सबरीमाला मंदिर में, और जब मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटा दी थी। महिलाओं की तरफ से जो तर्क दिया गया वो ये दिया गया कि यहाँ पर जब आप महिलाओं को रोक लगाते हैं मंदिर में जाने से, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, कानून के समक्ष सभी बराबर है। अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है जो कहता है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 17 की भी बात की थी लेकिन कोर्ट ने अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता वाली बात को नहीं माना। उन्होंने अनुच्छेद 21 की भी बात की थी कि अनुच्छेद 21 एक सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार की बात करता है, वो अधिकार छीनता है। उन्होंने अनुच्छेद 25 की बात की कि सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हमारे महिलाओं के धर्म के मानने पर रोक नहीं लगा सकता है। अब जो दूसरा पक्ष था, मंदिर का पक्ष, उन्होंने अनुच्छेद 26 की बात की। अनुच्छेद 26 में लिखा है कि धार्मिक संप्रदाय के कोई भी वर्ग अपनी किसी भी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उसका प्रबंधन और प्रशासन कैसा होगा ये तय करने का अधिकार उस मंदिर के प्रशासक को होगा, और ये मूल अधिकार है। किसी मंदिर में क्या व्यवस्था बनानी है उस धार्मिक संप्रदाय का, वो एक मूल अधिकार है। किसी मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं जान सकता है, कौन नहीं जा सकता है। देखो ऐसा है कि हम धर्म को तर्क के आधार पर नहीं तोल सकते। अब धर्म में इस तरह की बहुत सारी मान्यता होती है। जब आपने ये माना है कि ईश्वर है, अब ईश्वर है या नहीं इसको हम तर्क के आधार पर साबित नहीं कर सकते हैं।
जब आपने ये मान लिया कि ईश्वर है, आप ईश्वर से जुड़े हैं, तो ईश्वर के साथ बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ जाती है। तो यहाँ मंदिर की तरफ से ये तर्क दिया गया, मंदिर प्रशासन की तरफ से, कि किसी मंदिर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये प्रशासन करने का, प्रबंधन करने का हमारा एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 26 ऐसा कहता है। मंदिर में बहुत तरह के लोगों पर, जैसे मंदिर में आप चप्पल जूते नहीं लेकर जा सकते हैं, आप शराब पीकर मंदिर में नहीं जा सकते, ये एक व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से उन्होंने बना दिया कि महिला नहीं जा सकती है, उन्होंने अपनी तरफ से ये तर्क रखा था अनुच्छेद 26 का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अनुच्छेद 21, मैंने कहा अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, अगर वहाँ पर ये अधिकार छिनता है उसको, सारे अधिकार उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, और महिला को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंट्री दे दी गई। हालांकि ध्यान रखना, अभी भी सबरीमाला केस बड़ी बेंच के पास भेजा गया है, बड़ी बेंच सिर्फ सबरीमाला केस में नहीं, इस तरह के बहुत सारे बिंदुओं पर अब चर्चा करने वाली, उसका फैसला क्या आता है उसके बाद देखना है कि इसका रिजल्ट क्या रहता है फाइनली। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, अनुच्छेद 27। आगे अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है राज्य किसी भी प्रकार के धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। यहाँ पर सरकार, राज्य किसी भी धर्म विशेष पर टैक्स नहीं लगा सकती है। रीज़न, अगर आप टैक्स लगाकर किसी धार्मिक विशेष के समुदाय को हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, ये अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, आप किसी भी धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, जो पैसा सरकार टैक्स के रूप में नागरिकों से ले रही है, उस टैक्स के पैसे को किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने में नहीं लगाया जा सकता। ये दो अर्थ इसके निकलते हैं। लेकिन नोट डालकर मैंने एक बात लिखी है कि धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में, तीर्थयात्रियों की सुविधा आदि के लिए अगर शुल्क लिया जाता है, कोई फीस ली जाती है, तो इसे अनुच्छेद 27 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये टैक्स नहीं है, एक शुल्क है। टैक्स और शुल्क में फ़र्क क्या? टैक्स आपसे बिना कोई सुविधा दिए आपसे टैक्स लिया जाता है, वो कर है। शुल्क में अगर आपसे कोई शुल्क लिया जा रहा है तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई सुविधा दी जाएगी। तो शुल्क लिया जा सकता है, फीस ली जा सकती है, लेकिन टैक्स सरकार नहीं ले सकती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अनुच्छेद 28 में, शिक्षा संस्थानों में, कोई भी अगर शिक्षा संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी धार्मिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा, किसी भी शिक्षा संस्थान में, सरकारी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। किसी खास जहां पर दी जा सकती है वहां पर भी कुछ छूट है। देखते हैं यहां पर 28 में चार प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की बात होती है, कौन कौन सी? एक तो ऐसे जो पूर्णतः राज्य निधि से संचालित होती है, पूरी तरह से सरकारी है, सरकारी ही संस्था है, सरकार ही उसको फंडिंग करती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा का यहाँ पर मतलब है आप किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते, आपके सिलेबस में कोई धर्म विशेष की बात नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे कि हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में जब सरकारी सिलेबस होता है वहाँ किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखो, हालांकि इस तरह के कोर्ट के बहुत सारे केसेज रहे, कोर्ट के केस में जैसे रामायण और महाभारत के पाठ हमारे किताबों में मिलते हैं, क्या रामायण और महाभारत किसी धर्म विशेष का हिस्सा है? ये लग सकता है कि ये हिंदू धर्म से जुड़ा है, लेकिन कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए ये कहा है कि रामायण और महाभारत किसी एक धर्म विशेष से नहीं जुड़ा है, ये एक नैतिक शिक्षा का पार्ट है, इसलिए इसे धार्मिक समुदाय का अंग नहीं माना जाना चाहिए और ये धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, कोई ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, भले ही वो राज्य के द्वारा प्रशासित हो, लेकिन कोई ट्रस्ट के द्वारा ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित किए जो विशेषतः धर्म की शिक्षा देने के लिए ही बनी है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भले ही वो निजी संस्था हो लेकिन राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ लिखा है कि वो सहमति के बाद वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सहमति के बाद का मतलब, अगर कोई बच्चा नाबालिग है तो उसके माता पिता की, अभिभावक की सहमति के बाद उसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अगर सहमति नहीं मिले तो धार्मिक शिक्षा नहीं भी दी जा सकती है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, कोई ऐसी संस्था जो राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, यहाँ सहायता की जगह आप सहायता मान लीजिए, सहायता प्राप्त है, तो सहमति के बाद वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। स्कूल में देखो, स्कूल में हम देखते हैं कि सरस्वती आराधना होती है, सरस्वती माता की प्रार्थना हम करते हैं, तो क्या वो किसी धर्म विशेष का है? देखो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से कोई फैसला नहीं आ पाया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप इस तरह से बाध्य नहीं कर सकते किसी की प्रार्थना करने से, तो ये भी इस अनुच्छेद 28 के तहत आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो चुका है, अब हम 29 और 30 बात करें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले अनुच्छेद 29, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, लेकिन ध्यान देना अनुच्छेद 29 में बात क्या लिखी हुई है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों को, यहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 29 केवल
अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होता। यहाँ पर नागरिक शब्द लिखा है और नागरिक का मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के नागरिक आते हैं, केवल अल्पसंख्यक नहीं। इसका मतलब है अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये सभी नागरिकों पर लागू होता है। सभी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, बोली, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अपना अधिकार होगा। कोई भी नागरिक अपनी भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार रखता है। आगे नेक्स्ट 29(2) में लिखा है, राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को इन आधारों पर एंट्री देने से, प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता अगर उसको राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो रही है, सहायता प्राप्त हो रही है। आगे नोट डालकर की बात लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भाषा के संरक्षण में आंदोलन का भी अधिकार होगा, यानी कि अतः भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे इस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। धर्म के आधार पर वोट मांगना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर भाषा के संरक्षण, अपने संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं तो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 30 में लिखा है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थान की स्थापना करना और प्रशासन करने के लिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर हमने पिछले अनुच्छेद 29 में पढ़ा था और 28 में भी आपने देखा होगा, 28 में हमने ये दिखा था कि किसी को भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन मदरसे जो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए बने वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ये अधिकार कहाँ से मिलता है? तो अनुच्छेद 30 उनको अधिकार देता है कि मदरसे स्थापित करके वहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग एक अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। अनुच्छेद 30 उनको प्रोटेक्ट करता है, अनुच्छेद 30 उनको अधिकार देता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों का ये अधिकार है, लेकिन अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम, तो जिनकी भी संख्या कम है यहाँ पर, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे। जैसे पुरुष और स्त्रियों में देखेंगे तो स्त्रियों की संख्या थोड़ी सी कम है, तो क्या वो अल्पसंख्यक में आएंगे क्या? नहीं, यहाँ पर सिर्फ दो आधार लिखे हुए, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई। अगर कोई ऐसा समुदाय जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक में आता है, धार्मिक रूप से उनकी संख्या कम है, भाषाई रूप से उनकी संख्या कम है, वो अल्पसंख्यक वर्ग में आता है, तो उनको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम इतनी हो कि उनके प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित नहीं हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान का सरकार अधिग्रहण करती है तो उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अब जो आगे मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक शब्द संविधान में अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों की बात करता है, अनुच्छेद 29 नागरिकों की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक की बात करता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह से बनेगा कि अल्पसंख्यक शब्द को अनुच्छेद 30 में परिभाषित किया हुआ है? नहीं, 30 को कहीं पर, अनुच्छेद 30 में या फिर कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया हुआ है। संविधान में ये कहीं पर भी परिभाषित नहीं है कि अल्पसंख्यक किसे माना जाए। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो, कितनी कम, 5%, 10%, 15%, 20%, इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि संविधान में कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी हो तो उसकी व्याख्या कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए ये कहा है कि जिनकी भी संख्या 50% से कम है वो ऑटोमेटिकली अल्पसंख्यक में आ जाए। कोई भी ऐसा धार्मिक समुदाय जिनकी संख्या 50% से कम है, कोई भी ऐसा भाषाई समूह जिनकी संख्या 50% से कम है, वो अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। अब हम बात करते हैं, दो आधार हमने बात किए, अल्पसंख्यक के आधार कितने, दो हैं। कौन कौन से? सिर्फ धार्मिक नहीं, हम कई बार केवल धार्मिक समझते हैं, भाषाई आधार पर भी है। भारत में हिंदी भाषा वो एक बहुभाषी में आते हैं, बहुसंख्यक में आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भाषा मान्यता प्राप्त है वो सारी की सारी अल्पसंख्यक में आ जाती है। हम स्पेशली बात करते हैं धार्मिक समुदाय के बारे में। भारत में कुल 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। भारत में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक में है, लेकिन इनके अलावा जो 6 धार्मिक समुदाय है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। दर्जा प्राप्त होने के बाद उनको बहुत सारे, ये एक तो अनुच्छेद 30 का मौलिक अधिकार मिलता है, इसके अलावा भी सरकार की तरफ से एक अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है, बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। तो कौन कौन है अल्पसंख्यक समुदाय, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम समुदाय, और लगभग 15% जनसंख्या भारत में मुस्लिम समुदाय की है 2011 की जनगणना के हिसाब से। इसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ आते हैं ईसाई पॉपुलेशन, ईसाई धर्म जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। पारसियों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा कम है, 0.005% इसको कह सकते हैं, हजारों में संख्या केवल। 130 करोड़ के देश में
पार्षदों की संख्या केवल हजारों में हमें मिलेगी, 70-80 हज़ार के आसपास यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन है। तो ये एक बहुत अल्पसंख्यक, एक धार्मिक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय में इनका नंबर आता है। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पर ये 6 समुदाय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक है भारत में। हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। देखो, अल्पसंख्यक का दर्जा का मतलब क्या है, एक देश है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कुछ वर्ग हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो वहाँ पर बहुत कम संख्या में अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक वर्गों को हमेशा एक डर रहता है अपनी सुरक्षा का, इसलिए उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई स्टेट भारत में ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू पूरे भारत में तो बहुसंख्यक है, लेकिन वहाँ पर वो अल्पसंख्यक में है। लेकिन इन अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए भी उनको किसी प्रकार का लाभ वहाँ पर नहीं मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भारत में लगभग 6+3 लिखा मैंने, 6 राज्य हैं, 3 UTs हैं, 3 केंद्रशासित प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। कौन कौन से, पहले राज्य की बात करते हैं। पंजाब, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है, हिंदू अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है सिख, सिख कम्युनिटी पंजाब में बहुसंख्यक है, जबकि भारत में वो अल्पसंख्यकों में आती है। मिजोरम, अब नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक है। मिजोरम में ईसाई पॉपुलेशन जो है वो बहुसंख्यक में आती है, हिंदू अल्पसंख्यक में है। नागालैंड, नागालैंड में आपको बताया, नागालैंड एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर जिनकी राजभाषा भी अंग्रेजी है, इंग्लिश है, यहाँ पर ईसाई पॉपुलेशन है ज़्यादा है, ईसाई बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है। मेघालय में भी यही स्थिति है, मेघालय में भी ईसाई बहुसंख्यक है, हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी लगभग लगभग ऐसा ही है, जहाँ पर हिंदू और ईसाई पॉपुलेशन लगभग बराबर है, लेकिन हिंदुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाने के कारण मणिपुर भी एक ऐसा स्टेट हो गया है जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों में आ जाते हैं, 50% से थोड़ा सा कम है। और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बौद्ध पॉपुलेशन है वो बहुसंख्यक में आता है, हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक है। बात करें इस यूटी की, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब यह केंद्र शासित बन चुका है, तो जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा यूटी अब हो गया है जहाँ पर मुस्लिम यहाँ पर बहुसंख्यक मिलेंगे, हिंदू अल्पसंख्यक है। लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, अब लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख में हमें बौद्ध पॉपुलेशन मिलेगी, वहाँ पर मुस्लिम भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं और बौद्ध की कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुसंख्यक है, हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक है। तो इस प्रकार ये 6 राज्य और 3 UTs, ये सारे ये अनुच्छेद 30 से डायरेक्टली जुड़ता है, लेकिन मैंने आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 31 की, संपत्ति के अधिकार की। हम जानते हैं कि अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 31 अब डिलीट हो चुका है। कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अब केवल विधिक अधिकार बना दिया। ध्यान देना, संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से नहीं हटा है, ये एक मूल अधिकार से हटकर अब कैसा अधिकार बन गया है, विधिक अधिकार बन गया। और इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार भी पहले मूल अधिकार था, इस प्रकार के 7 अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया, हटाकर कहाँ रखा गया, अब 300 क में है। अब किस प्रकार का अधिकार है, केवल विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, तो ये मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। और इसके अनुसार अब क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब है उसे विधि के प्राधिकार से अब संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, पहले ये मूल अधिकार था, पहले नहीं हो सकता था, अब किया जा सकता है। तो अब ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में नहीं है, अब ये 300 क में है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक में हम अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। और ये टॉपिक जो हमने पढ़ा कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं वापस अगले वीडियो में, थैंक यू।